ਅਸੀਂ ਲਾ ਗਏ ਬੱਚੋ। ਫੈਂਕੋ ਵਾਪਸ ਫੈਂਕੋ। ਕਿਧਰ ਹੈ इधर आए। ये मेरे भाई की आंखें देखिएगा बिल्कुल ना, मैं आपका मार्क दिखाऊंगा, सिर्फ आंखें देखिए इसकी, ये देखिए पूरी जो है ना सूज चुकी है भाई। हम ये खाने को तैयार है, हम सीने पेश कर चुके हैं, सीने पे गोली खाने को तैयार है, लेकिन अपनी आजादी देने को तैयार हर किस नहीं है। ये भाई जिस पे लानत भेजते हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने ये चीजें सिर्फ फलस्तीन में देखी थी, हमने ये चीजें कश्मीर में देखी थी, ये तो अपने लोगों पे बरसा रहे। कहा गए आप लोगों की वो गैरत, कहा गए आप लोग फलस्तीन पे कितना जुल्म हो रहा है? आप लोग कभी उनके खिलाफ एक लफ्ज बोले जितना हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो? लेकिन फिर भी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो भी करे आपके शल खत्म हो जाएंगे, हम अपनी सीने हमारे सीने हाजिर है, हम अपने पीछे नहीं हटेंगे आजादी से, हम अपनी आजादी लेके रहेंगे और खान को आजादी दिला के रहेंगे। वो बट्टू था जिसका कोई वारिस नहीं था, ये खान है, इसका हर पाकिस्तानी वारिस है। इंशाल्लाह वो इंतकाम लेंगे तुम लोगों से, वो इंतकाम लेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। वो कह रहे मैं बार बार रिपीट कर दूं, वो कह रहे हैं भुट्टो को आपने मार दिया बच गए, लेकिन इमरान खान के वारिस 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, आप नहीं बचेंगे। अवाम ये बोल रही है, भी नहीं देखना कसम खुदा के। फाइज ईसा आपने रिटायर होके इस मुल्क में रहना है। देख सकते हैं मेरे भाई, इधर आइएगा मेरे भाई, कब से यहाँ पर महाज पे लड़ रही है बताएं आप। भाजी देखिए, बात सिर्फ ये है कि हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए आए हैं, हम सिर्फ अपने हक के लेने के लिए आए हैं। ना हमारे साथ कोई क्लाशन कोप है, ना कोई पिस्टल है हमारे साथ, ना हम कोई वार करे, एक आजाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये हर पाकिस्तानी कहा कि ये ना हुक्मरान ये अपना आईन उठा ले, वहाँ पे ये लोग देख ले कि भाई आईन में क्या लिखा है। हर पाकिस्तानी को ये हक है कि वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर ले अपना। नमक नमक दूसरे से गिला करके नमक मारा। मैं आंखें नहीं खोल सकता, लेकिन एक बात आपको कहूंगा मोहसिन नकवी, आपका प्रोग्राम आज अवाम ने मार दिया है। ये अवाम जिस शख्स के साथ खड़ी है, वो शख्स का नजरिया बड़ा खतरनाक है, उस शख्स का नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। और अवाम जो है यकीन करें उस शख्स के लिए जान देने के लिए तैयार है। हमें ये शख्स यहाँ पर बोल रहे हैं, तीन लोगों को वहां पर स्टेट शैल मारा गया डी शो के अंदर, शदीद नफरी थी आपकी। तकरीबन मैं देख के गया हूँ, ये पकड़ी गई हाथ में, तकरीबन कोई 200 के करीब नफरी थी, सिर्फ 10 लड़कों ने आपकी 300 की नफरी को लाते घुसे मार के भगा दिया। निहत्ते थे ये लोग और आप डर पोकते भाग गए। अभी इस वक्त जान निशान दिखाए जरा, तेरे जान निशान दिए दुम दबाकर जी भाई। हदीस है कुफर का निजाम जो है ना चल सकता है, जुल्म का नहीं। नहीं 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 चल नहीं चल सकता। कितना जुल्म करेंगे इंशाल्लाह, के में से 5 लाख से ज्यादा काबिल आ रहे, इसको हम बताएंगे। ये जो मोहसिन नकवी है वो हमारे गिलगित की बरसती ने सही कहा था कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने पेशाब किया तो मोहसिन नकवी जैसे लोग पैदा हुए है। जितना जुलम हुआ मस्जिदों में लोग बैठे हैं, नवाबिल कसम खुदा की नवाबिल बढ़ रहे, या अल्लाह इसका बेड़ा गार करे, इसको तबाह कर दे। हम कोई इंडिया से नहीं है, हम पाकिस्तानी है। यार आपने सही बड़ा गुनाह किया, मैं बताऊं आपको कि आपने गुनाह क्या किया। क्या हमने किया? आपने उस शख्स का साथ दिया जो कलमे पे खड़ा हुआ है। मैं एक बात बताऊं, हमेशा से कायदे आजम ने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए आजाद किया, 71 साल 78 साल से हम सफर में। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक लीडर आया जिसका नाम इमरान खान है, इमरान खान हमारे दिलों में बसता है,
इमरान खान हमारे दिलों में बसता है। ये कैमरामैन जरा फोकस करें, फोकस करें, इनकी आंखें दिखाइए। हम इमरान खान के लिए, मैंने मास्क पहना हुआ है, हम इमरान खान के लिए जान जा सकते हैं, पूरी जो है ना सीलिंग हो सकती है, देख सकते हो मेरे साथ ये जितने जुगाड़ है। शहबाज शरीफ, अब तुम पाकिस्तान का कभी मुंह नहीं देख सकोगे, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, अब हक का परचम ऊंचा होगा इंशाल्लाह, अब बातल मिटेगा इंशाल्लाह, और मिट कर रहेगा इंशाल्लाह, हम मिटा के रहेंगे इंशाल्लाह, हम मर जाएंगे लेकिन अपना पीछे हट नहीं जाएंगे, आजाद के पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अच्छा, इस वक्त शदीद सेलिंग है, मैं अगर मास्क में खड़ा हुआ तो बहुत ज्यादा लगे हुए, एक्सपायर सेल मारे गए, स्टेट सेल मारे गए, दो लड़के इस वक्त जख्मी हो गए, उनकी हालत शदीद खराब है, मेरे कैमरामैन को मारा गया, मोबाइल तोड़ दिया गया। सलाम आती पुलिस वाले, मस्जिद में जाए, वहाँ पे मस्जिद में मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब, बार बार मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, वो इसलिए कि आपने कहा था आवाम जरा आके दिखाए। मोहसिन नकवी साहब, आपका सियासी और इखलाकी जनाजा पढ़ने के लिए आवाम आ चुकी है इस वक्त, आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि आवाम का लश्कर जो है इस वक्त एक बात कर रहे हैं, हम घर नहीं जाने वाले, हम इस वक्त मार्च में खड़े होंगे, चाहे हमें महीना लग जाए, हम डी चौक पहुंच के दिखाएंगे इस वक्त। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन अगर दिखा सके तो हर तरफ आवाम है, मैं जरा आगे जाना चाहूंगा ताकि आवाम जो है हमें मिलती नजर आए। फिर भी वो हमारी औरतें, माए बहने, बच्चे इस वक्त मौजूद है। इधर आइएगा, इधर आइए, इधर आइएगा, बेटा इधर आओ, इधर आओ, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, इधर आओ। सबसे बड़ा जो खतरनाक दहशत गर्द है ना, वो ये है जो अपने मुस्तकबिल की जंग को आपने आप लड़ने आया है। बेटा किस किधर से आए हो आप? पिंडी से ही हो? इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद से हो? क्यों आए हो यहाँ पे? इतनी शैल आंखों में देखो मिर्चे लग रही है, एक मिनट रुको, ये लो, ये फिरौन को खत्म करने के लिए मूसा के सिपाही हैं। अब तो नहीं लग रही? अच्छा, क्या क्यों आए हो यहाँ पे? इसको ले जाए, इसको ले जाए, इसको ले जाए, इसको ले जाए, इसको ना इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट, इसको लेके जाए, पानी पिलाए ना इसको, एक मिनट रुके ना, एक मिनट नहीं, बच्चे को गाड़ी में बैठा दे, इनका बड़ा स्पीड ठंडा हो जाएगा, बस एक मिनट ना, पानी बच्चे को ना, नमक खिलाए, नमक खिलाए, वो कह रहे हैं एक मिनट रुके। आप ये हालात देख सकते हैं, तकरीबन वो होगा कोई 7 साल का बच्चा, 7 से 8 साल का बच्चा, और इस वक्त अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ना उसका अदाब बन चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस पे शैल बरसा रहे हैं जी? ना कश्मीरी हैं, ना ये इसराइली हैं, भाई ये लोग पाकिस्तानी हैं, खुदा के लिए ये पाकिस्तानी हैं, और इन लोगों पर, इनके बच्चों पर शैल। डी चौक के पास मौजूद हूँ, कुछ देर पहले मेरे कैमरामैन को शैल लगा था और मेरा मोबाइल टूट गया था, जिसकी वजह से वह आपको जो फुटेज बना रहा था अपने मोबाइल पे वो नहीं दिखा सका, उसके लिए माजरा चाहता हूँ। लेकिन अभी डीशो के मनाजिर ऐसे हैं कि इस वक्त बदतरीन शेलिंग हुई है इधर पर, और आवाम लेकिन महास पे खड़ी हुई है। चलो, अगर आप देख सकते हैं आवाम चारों अतराब आपके सामने नजर आ रही है। अरे ध्यान से आइएगा, ध्यान से आइएगा, आवाम जो है वो महास पर डटी हुई है और डटकर मुकाबला कर रही है आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं बदतरीन शैलिंग इस वक्त। ये आवाम डी चौक के पास है, और अभी मैं इससे ये जरा आवाम दिखा दीजिएगा, जितने जो आवाम है बिखरी हुई आवाम है जरा दिखाइएगा, वहाँ दिखाइएगा। तो मोहसिन नकवी साहब, आप कह रहे थे आवाम नहीं आएगी, तो मैं अब आपको कहूँगा कि अपना इलाज करवा लें, आवाम यहाँ पर पहुँच चुकी है, और मोहसिन नकवी साहब आपका हकीकी प्रोग्राम उन्होंने वार दिया, आवाम इधर में पहुंची है, प्रोग्राम बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, यहाँ पर पहुंची आवाम, ये डी चौक है आपकी पुलिस।